सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक बार फिर से हम पोकेमोन एमराल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार हमने पहले एलीट फोर सिडनी को हराया था और अब हम जाने वाले हैं अगले एलीट फोर की तरफ, जो कि दूसरा है। ओके, और ये घोष टाइप होने वाली है, मतलब फीबी घोष टाइप है। पिछले बार तो वो डार्क टाइप था। यार सच में मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ यहाँ पर। तुम लोग देख रहे हो कितनी स्कैरी है ये, सच में थोड़ी सी अजीब है ये। वैसे यार भूतों से डर लगता है, और उसके पास में कुछ एनाबेल टाइप के पोकेमॉन्स हैं जो कि बैनेट टाइप के बहुत खतरनाक हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, आई एम फीबी ऑफ द एलीट फोर। आई डिड माई ट्रेनिंग ऑन माउंट पायर। ओके, वाइल आई ट्रेंड आई गेन द एबिलिटी टू कम्यून विद घोष टाइप पोकेमॉन्स। क्या ये घोष टाइप पोकेमॉन से बात कर सकती है? वाओ, यस द बॉन्ड आई बिलव ओके डेवलप्ड विद पोकेमॉन इज एक्सट्रीमली टाइट। ओके, सो कम ऑन, जस्ट ट्राई एंड सी If you can even inflict damage on my Pokemon, देखते हैं यार। इसने मुझे चैलेंज किया है, मजा आने वाला है। इसने कहा है हम उसके Pokemon को देखते हैं टच कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं हम उसके Pokemon को टच करते हैं या खत्म करते हैं। तो गाइज यहाँ पर यार मेरे पास में एक डार्क टाइप Pokemon होना था या तो कोई डार्क टाइप मूव, पर किस्मत से नहीं है हमारे पास में। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर एलिस का सपोर्ट लेंगे। और एलिस और मैं एक और Pokemon के बारे में सोचा हूँ अपने Sceptile के बारे में, तो दोनों पोकेमॉन्स यहाँ पर थोड़े से काम आएंगे मेरे। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है एक तरीके से। ओके, देखते हैं ये दोनों पोकेमॉन्स कैसा करते हैं। मुझे उम्मीद तो है यार ये दोनों यहाँ पर संभाल लेंगे सब कुछ। ओके, क्योंकि हमारे पास में एक डार्क टाइप मूव नहीं है यार। मेरे पास में TM भी नहीं पड़ा था, मैंने सब जगह देखा। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं यार, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मुझे बेसिकली यार इसी का यूज़ करना हो एलिस का। अगर तुम लोग गेम्स खेल रहे हो और अगर तुम्हारे पास में है कोई डार्क टाइप मूव जैसे क्रंच वगैरह और भी बहुत सारे हैं, तो उनका यूज़ कर लेना, बहुत इजी पड़ेगी ये फाइट तुम्हारे लिए। ओके, हम कन्फ्यूज़न से फाइनली बाहर आ चुके हैं। मुझे सबसे बुरा यही तो लगता है यार, कन्फ्यूज़न वगैरह वगैरह तुम सभी को तो पता है। ओके गाइस, पहले को तो हमने हरा दिया, इसके पास में दूसरा कौन सा पोकेमॉन है? ओके, ओह दूसरा भी डस्कलॉप्स है। कोई बात नहीं, हम उसे भी हराएंगे इसी पोकेमॉन से, हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। ओके गाइज, इनके पास में यार सबसे बुरे मूव्स पता है कौन से होते हैं? जैसे कर्ज वाले, सबसे बुरे मूव्स वही हैं। मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, कर्ज, ये मूव बहुत ही बुरे लगते हैं। ओ अर्थक्वेक का यूज़ किया इसने, हमारी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा चली गई है। ओके, बैरीज का भी यूज़ किया है, क्या होने वाला है इन बैरीज से? उसकी हेल्थ वापस आ गई है। कोई बात नहीं, हम फिर से एक फायर ब्लास्ट का यूज़ करेंगे। ओके नाइस, बस एक अटैक की बात है यार, वो फुल रिस्टोर का यूज़ बस मत करे तो सब सही होगा। ओन ओ ब्रो, नो 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 नो, सिर्फ एक अटैक की बात है, सिर्फ एक अटैक। नहीं यार, उसने फुल रिस्टोर का यूज़ कर लिया। मुझे लगा था ना अगर हमारे पास में कोई अटैक होता ना तो सच सही रहता एक तरीके से। कोई बात नहीं यार, हमारे पास में बहुत कम हेल्थ है, मुझे पोकेमॉन चेंज करना होगा। ओके, क्रिटिकल हिट थी, बस थोड़ी सी उसकी हेल्थ बची है, लेकिन ऑब्वियसली यार वो पहले अटैक करेगा। मैं अपने पोकेमॉन को चेंज करने वाला हूँ। ओके नाइस, अब आई थिंक ये संभाल लेगा हमारा ट्रिकी सब कुछ यहाँ पर। ओके, ट्रिकी के पास में काफ़ी सारे अच्छे मूव्स हैं जैसे लीप ब्लेड, तो आई थिंक ये संभाल सकता है यहाँ पर, मैंने उम्मीद तो की है। ओके फाइनली यार इसने भी हरा दिया जैसा मैंने सोचा था, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पोकेमॉन होने वाला है बैनेट। यार बैनेट के लिए मैं इसी का यूज़ करूँगा अपने Sceptile का, काफ़ी अच्छा मूव है इसके पास में। ओके, मैंने बोला था ना गाइज ये काफ़ी घोष्ट टाइप पोकेमॉन्स बड़े डरावने टाइप के, देख रहे हो, मुझे सच में यार घोष्ट से डर लगता है। तो देख रहे हो कितने स्कैरी पोकेमॉन्स हैं, फीवी सच में डरावनी है यार। ओके, और अभी पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड में भी एक ऐसे ट्रेनर है जिसके पास में घोष्ट टाइप पोकेमॉन्स है। बेसिकली यार वो तो खुद वहीं रहती है जहाँ पर सारे घोष्ट टाइप पोकेमॉन्स रहते हैं। ओके, पता है गाइस सारे मतलब जितने भी जनरेशन हैं यार, उनमें मुझे सच में बैनेट थोड़ा सा स्कैरी लगा, और इसकी बैक स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। रियली बैनेट सच में डरावना है, एक चलती फिरती डरावनी गुड़िया। अगर तुम्हें नहीं पता हो ना इसकी स्टोरी, तो हमारी टॉप 10 बैक स्टोरीज वाली वीडियो देख लेना यार, मैंने उसमें इसकी स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की थी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बहुत ही स्कैरी पोकेमॉन है वो सच में। मैं तो उसे कभी भी नहीं पकड़ने की गलती करता, कभी नहीं पकड़ता यार। अगर मैं पोकेमॉन वर्ल्ड में होता ना तो मैं कभी उस पोकेमॉन को अपनी टीम में रखने के बारे में सोचता भी नहीं। जस्ट इमेजिन तुम लोग रात को सो रहे हो और तुम्हारा पोकेमॉन उठ के आ जाए, यार फट जाएगी यार रियली, मतलब मैं तो यार डर जाऊंगा, सच बता रहा हूँ। ओके तो ट्रिकी का लेवल 57 हो गया, अच्छी बात है। और हमारा ड्रैगून का लेवल भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। ओके लास्ट, इसके पास में एक और बैनेट है, काफ़ी सारे बैनेट हैं यार, दो बैनेट हो गए यहाँ पर। ओके लास्ट बैनेट है,
और आई थिंक यार मुझे बहुत ही जल्दी इवॉल्व करना होगा अपने पोकेमोन को, सेलेमेंस बनाना है उसे, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है यहाँ पर। ओ नाइस, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ गई है उसकी, पर कोई बात नहीं, हमारा पोकेमोन फेंटर होते होते बच गया। नहीं यार ये चीज़ नहीं होनी थी, मुझे लगा था वो फुल रिस्टोर का यूज़ नहीं करेगा, हम उसे ख़त्म कर देंगे, पर नहीं, उसने फुल रिस्टोर का यूज़ कर लिया है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक और अटैक करना है, सिर्फ। नाइस, नहीं, ओ गॉड, थैंक गॉड, फाइनली गाइस, फाइनली हमने हरा दिया है फीवी को। यार इतनी कमाल की बैटल थी, बिना एडवांटेज के भी मैंने उसे हरा दिया। वाओ, रियली गुड, इट्स वेरी गुड, मज़ा आ गया यार, सच में मज़ा आ गया, कमाल की बैटल थी। तो गाइस यार सच में आज की बैटल कमाल की थी। अगले बार हम हराने वाले हैं तीसरे एलीट फोर को, तो अगर तुम्हारे पास में कोई टिप्स हो उसके लिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर कुछ एडवांटेज हो जो भी तुम्हें पता हो जाके मुझे कमेंट्स बताओ वो कौन से टाइप का होने वाला है, इससे रियली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।